क्लास 3, आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अगर आपने हमने एक क्लास बनानी है तो उसके लिए हमें सेपरेट एक एक 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स चाहिए ना। इट्स मीन कि आप क्लास के क्या हो, सेल्स हो। जब तक 25 पूरे कंप्लीट नहीं होगा तो हमारी एक पूरी क्लास नहीं बनेगी। इसी ही तरह जैसे जैसे, और जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे स्टूडेंट्स कंबाइन हो जाएंगे तो एक क्लास बन जाएगी। अब इनमें से अगर मैं 5-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना देती हूँ तो क्या होगा कि हर ग्रुप जो है वो अपना काम करेगा ना। फॉर एग्जांपल, अगर 5 स्टूडेंट्स को मैंने कहा है कि आपने आज इतना टॉपिक याद करना है सेल्स का, और 5 स्टूडेंट्स को मैंने कोई और काम दे दिया है कि आपने इन टॉपिक्स में से इसके फंक्शंस याद करके आना है। इसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी भी जो है वो, हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। हर ऑर्गन जो है वो अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन ये ऑर्गन्स जो हैं वो मिलते कैसे हैं, कैसे मिलकर बनते हैं। जैसे सेल जो है, सेल के बाद जो है नेक्स्ट यूनिट हमारी बॉडी में कौन सा बनता है, टिश्यू। टिश्यूज़ का क्या काम है, टिश्यूज बनते कैसे हैं। टिश्यूज़ जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो आपस में कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होने के बाद क्या बनते हैं, टिश्यूज। और फिर जब टिश्यूज़ कंबाइन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन। और फिर ऑर्गन्स के बाद बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। और फिर ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में अपनी अपनी स्पेसिफिक जॉब जो है वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे ऑर्गन्स जो हैं, हार्ट है। हार्ट का क्या काम है, वो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। फिर उसके बाद हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब हम खाना खाते हैं वो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो हमारे शामिल होते हैं, हमारी फूड पाइप जो है, उसके बाद स्टमक है, इंटेस्टाइन वगैरह, ये हमारी सारी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होती है, ठीक है। अब टिश्यूज़ का क्या काम है, टिश्यूज़ जो है वो एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स है। कि कोई भी 5 ग्रुप ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेल्स ले लेते हैं, वो मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं। टिश्यूज़ के बाद टिश्यू जो है वो अपनी अपनी एक स्पेसिफिक जॉब जो है वो, स्पेशल जॉब जो है वो परफॉर्म करता है। हमारी बॉडी में जो है वो बहुत सारे टिश्यूज़ जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, और नर्वस टिश्यूज़ हैं। हमारे टिश्यूज़ जो हैं, योर बुक क्लास 4, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस नर्वस टिश्यूज़ एंड मसल्स टिश्यूज़ एंड एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। अब ये सारे टिश्यूज़ जो हैं वो अपनी अपनी जॉब और अपना अपना काम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी में। लुक एट दिस स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी क्लास, फॉर एग्जांपल ये देखें, मसल्स टिश्यू में आप कौन क्या, मसल्स टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कार्डिक। कार्डिक मीन्स हमारे हार्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड स्केलेटल मीन्स के हमारी बोन्स के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं, वी कॉल्ड इट स्केलेटल मसल्स। और स्मूथ मसल्स कौन से होते हैं, जो हमारी जैसे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, लीवर के अंदर। ये देखें, स्टमक जो है वो हमारे स्टमक के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, वी कॉल्ड इट्स मसल्स टिश्यूज़। लीवर भी जो है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना है, वो मसल्स जो इजीली पंप हो सके, पुश हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और रिलैक्स कर सकें, वी कॉल्ड इट स्मूथ मसल। इसी तरह नर्वस टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ जो हैं वो क्लास हमारे नर्व्स में और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है, लुक एट दिस, ये ब्रेन है ना क्लास, इसकी बैक साइड पे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सारे नर्व्स जो हैं वो आपकी बॉडी में मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाते हैं, ठीक है। उसके बाद एपिथीलियल टिश्यूज़, एपिथीलियल टिश्यूज़ का क्या काम है, एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारी एपिडर्मिस, किसे कहते हैं, आउटर मोस्ट स्किन। हमारी ये जो, ये देखें आपको स्किन नज़र आ रही है मेरे हैंड की, ये आउटर मोस्ट है, मीन्स बाहर वाली स्किन पे एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें कभी चोट वगैरह लग जाती है और हमारी स्किन जो है वो ख़राब हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो फिर उसके ऊपर दोबारा स्किन आती है। इट्स मीन कि हमारी ऊपर जो आउटर मोस्ट स्किन है उसके नीचे भी एक और स्किन प्रेजेंट है, लेकिन एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो हमारी आउटर मोस्ट स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक ऑर्गन्स, ये इसका क्या मतलब है कि हमारी एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। अब डाइजेस्टिव ट्रैक क्लास 4, लुक एट दिस कौन सा है, ये देखें, ये फूड पाइप आ रहा है। फूड पाइप के बाद हमारी फूड कहाँ जाती है, स्टमक में, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में, फिर इंटेस्टाइन से जो फूड इंटेस्टाइन के बाद जो आपने, आपकी बॉडी ने जो फूड एब्जॉर्ब करनी है या जिस न्यूट्रिएंट्स की आपको ज़रूरत है वो सारी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी न्यूट्रिएंट्स, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फ्लैश आउट हो जाती है।